नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। झारखंड के कोडरमा के बीजेपी के पूर्व सांसद प्रोफेसर रविंद्र कुमार रॉय की गाड़ी पर बोकारो के चौस में हमला हुआ है। इस घटना में उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। रविंद्र रॉय की माने तो अगर वो मौके से बचकर नहीं निकलते तो उनकी गाड़ी को आग लगा दी जाती और उनके अंगरक्षक की भी हत्या हो जाती। इसके बाद रविंद्र रॉय ने चास मुफस्सिल थाने पहुंचकर अपने ऊपर हुए हमले की लिखित शिकायत की। उन्होंने बताया कि धनबाद बोकारो में क्षेत्रीय भाषा की सूची में भोजपुरी और मगही को शामिल किए जाने के खिलाफ रविवार को झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के द्वारा मानव श्रृंखला बनाने का कार्यक्रम तय किया गया था। इसको लेकर धनबाद के महुदा मोड़ से बोकारो नगेन मोड़ तक मानव श्रृंखला बनाई गई थी। पूर्व सांसद रविंद्र राय ने कहा कि वो रांची से बोकारो होकर धनबाद किसान मोर्चा के कार्य समिति में शामिल होने के लिए राजगंज जा रहे थे। इस दौरान दामोदर ब्रिज से पहले पेट्रोल पंप के पास पहुंचने पर उन्होंने अपनी गाड़ी को रोक दिया। उनके मुताबिक आंदोलन कर रहे लोग उनसे भाषाई मुद्दे पर समर्थन देने की बात कहने लगे और उनको मानव श्रृंखला के पास ले जाने का प्रयास करने लगे। मौके की नजाकत को देखते हुए वो उन्हें वहां बैठकर समझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन तभी उनके स्कॉर्पियो गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू हो गई। उपद्रवियों के द्वारा गाड़ी के सभी शीशों को तोड़ दिया गया, साथ ही गाड़ी में लगे बोर्ड और बीजेपी के झंडों को भी तोड़ दिया गया। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज।